आज हम करेंगे फोर्थ लेसन का अभ्यास। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको किताब में पढ़ना है, हम क्या सेकेंड क्वेश्चन से करेंगे। अब तो सेकेंड क्वेश्चन है उचितम उत्तरम चिन्हुत्वेस उचित उत्तर छांटिए। तो पहला है कोकिले का अर्थ है, कोकिले मीन्स दो कोयल। अजहा का अर्थ है अनेक बकरियाँ, ठीक है। दो लताएँ, दो लताएँ की संस्कृत क्या होगी, लतेही, लता लते लता, तो दो लता मीन्स लतेही। बहुत सी कलियाँ का संस्कृत रूप होगा कलिकाहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितानाम पदानाम हिंदी पर्यायम लिखत, निम्नलिखित पदों के अर्थ हिंदी में लिखिए। लता मीन्स बेल, शिक्षिका मीन्स शिक्षिका, अनेक अध्यापिकाएं, मूषिके दो चूहिया, चटके दो चिड़ियां, नायके दो नायिकाएं, कोकिले दो कोयल, अजहा अनेक बकरियां, लते दो बेलें, कन्ने दो लड़कियां, कोकिला अनेक कोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ परस्परम मेल कुरुत, मेल का मिलान करना है इनका। तो पहली जो पिक्चर है वो है एक औरत की, तो वो क्या होगा, महिला। सेकंड पिक्चर में है दो लड़कियां, बालिके है। थर्ड पिक्चर है बगीचे की, बगीचे दो बगीचे हैं तो इसको कहेंगे वाटिके। नेक्स्ट है अध्यापिका शिक्षिका, ठीक है। फिर है संस्कृत लिखत, इनको संस्कृत में लिखना है। पहला है अनेक नावें, बहुत सारी नावें, तो नौका नौके नौकहा, नौका विसर्ग, नौका में पीछे विसर्ग लगेंगे, नौकहा। दो चूहियाँ मूषिके, एक कली कलिकहा कलिका सॉरी, अनेक अंगूठियाँ उर्मिकहा, दो तराजू तुले तुला तुले तुलाहा, तो ध्यान आएगा तुले, एक खाट खटवा, ठीक है। अगला है अधोलिखितानाम पदानाम संस्कृत पदम लिखत, निम्नलिखित पदों के संस्कृत रूप लिखने हैं। एक शिक्षिका एक अध्यापिका, तो इसका आएगा शिक्षिका। तीन महिलाएं महिलाहा, विसर्ग आएंगे पीछे। अनेक कोयल कोकिलाहा, तीन चिड़िया चटकहा, दो अभिनेत्रियां नायके, अनेक बकरियां अजहा, एक कली कलिकहा कलिका, एक बच्ची बालिका। नेक्स्ट है रिक्त स्थानानी पूरियत, जो खाली स्थान है उनको पूरा करना है। एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो महिला का द्विवचन होगा महिले और बहुवचन महिलाहा, महिला महिले महिलाहा, कलिका कलिके कलिकहा, कोकिला कोकिले कोकिलाहा, मक्षिका मक्षिके मक्षिकहा, मूषिका मूषिके मूषिकहा, अजा अजे अजहा, ठीक है। अगला है बहुवचन से रूपानी लिखत, इन जो वर्ड दे रखे हैं शब्द दे रखे हैं इनके बहुवचन रूप लिखने हैं। मक्षिका का मक्षिकहा, विसर्ग आ जाएंगे सब में। शिक्षिका शिक्षिका का शिक्षिकहा, विसर्ग। चटका का चटकहा, विसर्ग। गदा का, इसमें विसर्ग लगे हुए नहीं तो आपको यहाँ पर विसर्ग लगाने, चटका का चटकहा, गदा का गदहा, कन्या का कन्याहा, वाटिका का वाटिकहा, तो सब में इसमें विसर्ग आ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, बहुवचन रूप। नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन स्त्रीलिंगी परिवर्तयत, इनकी स्त्रीलिंग में बदलना है इन वर्ड्स को दे रखे, इनका पुल्लिंग रूप दे रखा है इनको, स्त्रीलिंग मतलब लिंग परिवर्तन करना है। तो बालक का बालके का क्या होगा, बालिका। छात्र का छात्रा, अजय का अजा, गायक का गायिका, नरेह का नारी, वृद्ध वृद्धा वृद्धा, शिक्षक शिक्षिका, चटके चटका, तो इनके स्त्रीलिंग रूप हैं। नेक्स्ट जो है इसमें आपको ये दे रखे हैं पिक्चर देखने बताने हैं कि एक वचन है द्विवचन है या बहुवचन है। तो ज़्यादा औरतें हैं तो ज़्यादा अभिनेत्रियां हैं तो यहाँ आएगा नायिका, ये दो चूहिया हैं तो मूषिके, तीन कलियां हैं तो कलिकहा, एक बकरी है अजा, तीन बेले हैं लताएं हैं तो लताहा, दो गदा हैं गदे। तो यहाँ पर एक्सरसाइज पूरी हो गई है, ये आपको अपनी कॉपी पर करनी है और इसको लर्न करना है।